बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का इलाज के दौरान एम्स में निधन हो गया है। आपको बता दें कि सैनी को तबीयत खराब होने पर एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन भी हुआ था। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सफल हुआ था, लेकिन आज सवेरे से ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई, जिसके बाद शाम को डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं पाए। आपको ये भी बता दें कि सैनी एक बार बीजेपी से विधायक भी रहे हैं, वर्तमान में वे राज्यसभा सदस्य भी हैं। वे लंबे समय तक पार्टी के अखिल भारतीय मजदूर संघ से जुड़े रहे हैं। वे बीजेपी में कई पदों पर रहे, महामंत्री, अनुशासन समिति के संयोजक भी रहे, संघ पृष्ठभूमि से जुड़े रहे। सैनी सहज सुलभ, आम कार्यकर्ताओं के साथ घुलने मिलने वाले व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनकी छवि आम कार्यकर्ता की थी, जो प्रदेश अध्यक्ष बनने के बावजूद उनके साथ सहज भाव से मिलते थे। उनके निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने शोक व्यक्त किया है। उनके निधन पर पार्टी का ध्वज आधा झुका दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का निधन हो गया है। आज सुबह ही उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, और उसके बाद उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर उन्हें बचा तक नहीं पाए। एम्स में उनका इलाज चल रहा था। बड़ी खबर, लंबी बीमारी से वे पीड़ित थे। उनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, उसके बाद डॉक्टर उन्हें बचा तक नहीं पाए। मदन लाल सैनी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, विधायक भी रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद के तौर पर भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, संघ परिवार से वे जुड़े रहे, और उनकी जो छवि थी, एक कहते थे कि आम कार्यकर्ता तक उनकी जो पहुंच हो जाती थी, तो सभी दिलों के अजीज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेता, पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदना जाहिर की है।